नमस्कार, उद्देश्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 तीन पार्ट का प्रश्नावली 3.3 शुरू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। 3.3 में पहले प्रश्न में 6 भाग हैं, जिसमें लिखा है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक ना, तो प्रतिस्थापन विधि इसमें देखना है। तो देखिए, पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न का पहला भाग x प्लस वाई बराबर 14 एवं x माइनस वाई बराबर 4। तो देखिए कैसे हल करेंगे इसको। यह है प्रतिस्थापन विधि से हल करना है समीकरण 1 और समीकरण 2। तो लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो देखिए पहला समीकरण लिख लेते हैं। यहाँ लिखा है x प्लस वाई बराबर 14। इसमें किसी भी चर को पक्षांतर कर सकते हैं, चाहे x को चाहे y को। ठीक ना, हम y को पक्षांतर कर लेते हैं तो ये होगा प्लस वाई है तो माइनस वाई हो जाएगा। ठीक ना, और इसको समीकरण 3 नंबर डाल देंगे। अब चूँकि समीकरण 1 से 3 निकाले हैं समीकरण, तो इस समीकरण x के मान को समीकरण 2 में रख देंगे। लिखेंगे x का मान समीकरण 3 से समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, या सरल भाषा में लिख सकते हैं रखने पर। ठीक ना, तो देखिए समीकरण 2 लिख लेते हैं यहाँ पर। पहले x माइनस वाई बराबर ये 4। अब इसमें जहाँ भी 4 x दिखाई दे वहाँ पर हम x बराबर 14 माइनस वाई रख देंगे। देखिए ये 14 माइनस वाई यहाँ x का स्थान पर रख देते हैं, तो ये हो गया 14 माइनस वाई, और ये माइनस वाई लिखा हुआ है तो माइनस वाई, फिर ये बराबर 4। तो ये चर जो है माइनस वाई माइनस वाई माइनस 2y। ठीक ना, और ये 14 जो है इसको अंकों के समान पक्षांतर कर लेते हैं, तो दाईं तरफ पक्षांतर करेंगे तो प्लस में है तो ये माइनस 14 हो जाएगा। माइनस 2y बराबर 4 में 14 गया माइनस 10। ठीक ना, छोटे बड़ी छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटेगी तो माइनस लगेगा, और 14 में 4 गया तो 10। y बराबर माइनस 10 बटे माइनस 2। ठीक ना, माइनस 2 को पक्षांतर कर लिया, ये माइनस कटा, 2 एक कम 2 पंचे 10, ये हो गया y बराबर 5। देखिए y बराबर 5 आया, इसका मान समीकरण 3 में रख देंगे तो x का भी मान ज्ञात हो जाएगा। तो लिखते हैं y बराबर 5 समीकरण 3 में रखने पर। ठीक ना, रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, तो x बराबर ये आया 14 माइनस y का मान कितना है 5, तो 5 रख देंगे तो x का मान कितना आएगा 9 आ गया। इस प्रकार x और y का मान ज्ञात हो गया। लिखेंगे अतः x बराबर 9 और y बराबर 5, तो इन समीकरण के हल ज्ञात हो गए। यस माइनस टी बराबर 3 और यस बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6 लिखा हुआ है। ठीक ना, तो देखिए ये भिन्न में लिखा हुआ है तो इसको थोड़ा सरल कर लेंगे। इसको समीकरण 1 डाल लेते हैं, इसका लघुत्तम ले लेंगे। देखिए क्या हुआ, 2 का गुणा यस में 2s प्लस 3 का गुणा टी में तो 3t है ना, तिरछा गुणा कर लिया है, 2 गुणा इसमें किया है 3 गुणा इसमें किया है, बटे 3 दूनी 6 बराबर 6। ठीक ना, अब बटे 1 करके तिरे गुणा कर लेंगे, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें करेंगे, तो चूंकि 1 का गुणा कर रहे हैं तो ये यही चीज आ जाएगा 2s प्लस 3t बराबर 6×36। तो ये प्राप्त हुआ हमको समीकरण 2। अब समीकरण 1 से किसी भी चर का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 यस माइनस टी बराबर 3, तो माइनस टी को पक्षांतर कर देते हैं
तो यस बराबर 3 प्लस टी प्राप्त हो गया। इसको समीकरण 3 डाल लेते हैं। अब समीकरण यस का मान समीकरण 3 से समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे तो लिखेंगे यस का मान समीकरण 3 से समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर तो देखिए ये रहा समीकरण 2, इसको लिख लेते हैं पहले। देखिए 2s प्लस 3t बराबर 36। इसमें हमको यस यहाँ दिखाई दे रहा है, यस का मान यहाँ 3 प्लस टी यहाँ रखेंगे तो लिखेंगे 2 यस का मान 3 प्लस टी प्लस ये 3t लिखा हुआ है बराबर 36। अब इसका 2 गुणा दोनों पदों में गुणा करा जाएगा तो कोष्टक खुलेगा, तो 2 तिहाई 6, 2 का गुणा टी में तो 2t प्लस 3t बराबर 36। चार चार आपस में जुड़ जाएगा तो 2 3 3 2 5t, और ये अचर पद है जो दाईं तरफ पक्षांतर कर लेंगे, माइनस 36 में 6 घटाएंगे 5t बराबर 30। तो टी का मान प्राप्त हुआ 30/5, 5 एकम 5 छक्के 30, तो टी बराबर 6। अब इस टी का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो लिखते हैं टी बराबर 6 समीकरण 3 में रखने पर ठीक ना। तो ये रहा समीकरण 3, तो लिखेंगे यस बराबर 3 प्लस टी लिखा हुआ है तो टी के स्थान पर 6 रख दिए, तो इस प्रकार यस का मान 9 प्राप्त हो गया, ठीक ना। तो टी और यस का मान प्राप्त हो गया, तो लिखेंगे अतः यस बराबर 9 और टी बराबर 6, ठीक ना। तो दूसरा भाग हो गया। अब तीसरा भाग देखते हैं। तीसरे भाग में लिखा है 3x माइनस y बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9। तो इसको हल करेंगे, इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 रख लेते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 लिख लेते हैं 3x माइनस y बराबर 3, ठीक ना। तो इससे y का मान ज्ञात कर लेते हैं, तो लिखेंगे 3x, इसको 3 को पक्षांतर करेंगे तो -3 बराबर y, इसको उधर पक्षांतर कर दिए तो इसका मतलब y का मान 3x माइनस 3 प्राप्त हो गया। तो ये समीकरण 3 डाल लिए। अब y का मान समीकरण 3 से समीकरण 2 में रखेंगे तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 से समीकरण 2 में रखने पर, तो देखिए रखेंगे तो क्या आएगा, ये रहा समीकरण 2। इस समीकरण 2 के यहाँ लिख लेते हैं 9x माइनस 3y बराबर 9, इसमें y ये रहा, y के स्थान पर इसको रखेंगे तो लिखते हैं 9x माइनस 3, y का मान ये रखा हुआ है तो लिखेंगे 3x माइनस 3 बराबर 9। तो कोष्टक खोलेंगे तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो 9x, 3 गुणा 3 में करेंगे तो 9 और 2 माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। देखिए 9x में 9x गया, 9 बराबर 9, मतलब इस समीकरण के हल ज्ञात नहीं होंगे तो इसको लिख देंगे। अतः देखिए इस रूप में ये समीकरण जो हमने दूसरा तीसरा प्राप्त किया है उसी को लिख देते हैं, y बराबर 3x माइनस 3, यही इसका उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 4 में है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, फिर लिखा है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। तो इसको हल करते हैं, इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 लेते हैं।
तो देखिए लिखेंगे समीकरण एक से, तो समीकरण एक से तो इसको लिख लेते हैं पहले, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। तो इसमें x का मान ज्ञात करेंगे तो 0.2x बराबर, इसको पक्षांतर कर लेते हैं तो 1.3 माइनस 0.3y, ठीक है, प्लस का पक्षांतर किए तो माइनस में हो गया, x बराबर 1.3 माइनस 0.3y बटे 0.2, ठीक है, 0.2 इसके गुणांक को पक्षांतर कर दिए, तो इस प्रकार समीकरण 3 प्राप्त हो गया। फिर लिखेंगे x का मान समीकरण 3 से समीकरण 2 में, है ना, 3 में से उठाकर 2 में रखेंगे, 2 में रखने पर, तो देखिए 2 में रखेंगे तो पहले दूसरा समीकरण यहाँ लिख लेते हैं, तो देखिए 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3 हुआ। अब देखिए x का मान यहाँ रखेंगे, इस पूरे मान को यहाँ रख देंगे, तो लिखते हैं 0.4 कोष्टक में, इसको लिखते हैं 1.3 माइनस 0.3y बटे 0.2, और आगे जो है उसको लिख लेते हैं 0.5, ये वाला बच गया, बराबर 2.3, ठीक ना। अब देखिए ये वाला, देखिए इसमें 0.1 स्थान के बाद लगा है, यहाँ भी 0.1 स्थान के बाद लगा है, ठीक ना, तो अगर इसको काटेंगे तो 2 एक कम 2 दूनी 4, ठीक ना, ये 2 आएगा, ठीक ना, 0.1 हटा भी सकते हैं तो 4 आएगा ऊपर, यहाँ 2 आएगा, 2 एक कम 2 दूनी 4 यहाँ से कट जाएगा, ठीक ना, तो ये आया 2 आया, तो यहाँ लिख लेते हैं 2 1.3 माइनस 0.3y, ठीक ना, और प्लस 0.5y बराबर 2.3, ठीक ना, इसको देखिए ध्यान से काटिएगा, 0.1 स्थान के बाद है और इधर भी 0.1 स्थान के बाद है, तो ये 0.1 हटा सकते हैं, तो हटाने के बाद 4 और 2 बच जाएगा, तो ये 2 एक कम और 2 दूनी 4 से कट गया, ठीक ना, तो इसको मतलब काटेंगे तो 2 आएगा, 2 गुणा, अब आगे के इन दोनों पदों में करेंगे तो कोष्टक खुल जाएगा, तो लिखेंगे 13 दूनी 26, तो 2.6, ठीक ना, 13 दूनी 26 एक स्थान के बाद 0.1 है तो 0.1 लगा लिए, और 3 दूनी 6y इसका गुणा इसमें भी करेंगे, ठीक ना, प्लस 0.5y बराबर 2.3, ठीक ना, ये y आपस में इसको हल करेंगे और 2.6 को पक्षांतर कर देंगे, तो माइनस 0.6 प्लस 0.5, देखिए ये बड़ी है और ये छोटी संख्या है, तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाएंगे तो 0.1y आएगा, और चूँकि बड़ी संख्या में माइनस चिन्ह लगा तो ये माइनस भी लगेगा, ठीक ना, इसी प्रकार आगे 2.3 माइनस 2.6 इसको उधर पक्षांतर कर दिए, तो आया माइनस 0.1y बराबर, इसको घटाएंगे कितना आएगा 0.3, ठीक ना, 2.6 में 2.3 घटाएंगे तो 0.3 आएगा, अब बड़ी संख्या में माइनस है तो ये माइनस भी लगेगा, या छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटा रहे हैं तब भी माइनस में आएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, अब y का मान आ जाएगा, देखिए y बराबर 0.3 बटे 0.1, ठीक ना, अब देखिए इसमें भी 0.1 इधर दाईं तरफ से देखते हैं, दाईं तरफ से 0.1 स्थान के बाद लगा है, नीचे भी एक स्थान के बाद लगा है, इसलिए इसका 0.1 हटा सकते हैं, इसका 0.1 जब हटेगा तो 3/1 प्राप्त होगा, ठीक ना, या 3 आ गया, ठीक ना, देखिए जैसे यहाँ पर भी था, ये 0.1 स्थान के बाद था, 0.1 स्थान के बाद था, तो आप इसको 0.1 हटाए देंगे तो 2 और 4 बचेगा, तो 2 एक कम और 2 दूनी 4 यहाँ से कटा है ये, तो y का मान 3 आया, तो y का मान 3 समीकरण 3 में रख देंगे, तो लिखेंगे y बराबर 3 समीकरण 3 में रखने पर, तो देखिए 3 वाला समीकरण ये है, इसको लिख लेते हैं, x बराबर 1.3 माइनस 0.3y
बटे 0.2। अब देखिए वाई यहाँ दिख रहा है, वाई का मान यहाँ हम रख देंगे तो 1.3 माइनस 0.3 गुणे वाई का मान 3 है बटे 0.2, तो हो गया 1.3 और इसका गुणा करेंगे तो 3 3 9 और एक स्थान के बाद दशमलव तो 0.9 आ गया बटे 0.2। अब 1.3 में 0.9 घटाएंगे तो कितना आएगा 0.4 बटे 0.2। ठीक ना, देखिए अब यहाँ भी दाईं तरफ से 0.1 स्थान के बाद है, दाईं तरफ के बाद एक स्थान के बाद 0.1 है तो 0.1 हट जाएगा, तो ये आया 4/2, तो ये आया 2 × 1 = 2 × 4। तो देखिए यक्स का मान भी 2 प्राप्त हुआ, तो इस प्रकार यक्स और वाई का दोनों का मान प्राप्त हो गया। तो इसको हम एक जगह लिख लेते हैं, यक्स बराबर 2 और वाई बराबर 3, ये अपना अभिष्ट उत्तर प्राप्त हो गया। इस प्रकार प्रश्न नंबर एक का चौथा भाग हो गया। अब पांचवा भाग देखते हैं, करणी 2x प्लस करणी 3y बराबर 0, फिर करणी 3x माइनस करणी 8y बराबर 0। तो इस प्रकार इसमें x और y का मान ज्ञात करेंगे, तो लिखेंगे इसको समीकरण 1 डालते हैं और इसको समीकरण 2 डाल लेते हैं। फिर लिखते हैं समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 लिख लेते हैं यहाँ पर, करणी 2x प्लस करणी 3y बराबर 0, इसमें x का मान ज्ञात कर लेते हैं तो आया करणी 2x बराबर, इसको पक्षांतर करेंगे तो माइनस करणी 3y, फिर x का मान कितना आया माइनस करणी 3y बटे करणी 2, करणी 2 को पक्षांतर कर दिया तो ये हो गया समीकरण 3 प्राप्त हुआ। फिर ये लिखेंगे x का मान समीकरण 3 से समीकरण 2 में रखने पर, 2 पर रखेंगे तो 2 है ये, करणी 3x माइनस करणी 8y बराबर 0, तो x का मान ये पूरा है यहाँ रख देंगे तो लिखते हैं करणी 3 और कोष्टक में माइनस करणी 3y बटे करणी 2 माइनस करणी 8y बराबर 0। देखिए इस करणी 3 का गुणा करेंगे तो करणी 3 हो जाएगा, ठीक ना, करणी 3 का गुणा करेंगे तो 3y बटे करणी 2 माइनस करणी 8y बराबर 0। अब लघुत्तम लेंगे तो इसका गुणा इसमें किया जाता है, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस 3y माइनस 8 × 16 बटे करणी 2 बराबर 0। इसको हल करते हैं आगे, देखिए माइनस करणी 3 माइनस 3y माइनस देखिए करणी 16 का 4 हो जाएगा तो 4y बटे करणी 2 बराबर 0, तो माइनस 3 और माइनस 4 माइनस 7y और बटे करणी 2 बराबर 0। अब तिरेक गुणा कर लेंगे, देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस 7y बराबर 0 गुणा करणी 2 में करेंगे तो 0 आ जाएगा और y बराबर 0 बटे माइनस 7 है ना, माइनस 7 को पक्षांतर कर दिए तो 0 के बटे कुछ भी हो तो उसका मान 0 ही प्राप्त होता है। इस प्रकार y का मान 0 आ गया। अब वो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो 3 में रख के देखते हैं x का मान कितना आ रहा है, x बराबर माइनस करणी 3 बटे करणी 2 और गुणे ये y है, देखिए ये y है, लिख लेते हैं यहाँ पर पहले y लिख लेते हैं फिर देखिए मान रख देते हैं, माइनस करणी 3 बटे करणी 2 गुणे 0। तो जब किसी भी संख्या में 0 का गुणा होता है तो 0 प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार देखिए x का मान 0 और y का मान भी 0 प्राप्त हुआ।
इस प्रकार पहले प्रश्न का पांचवा भाग हो गया, अब छठवां भाग देखते हैं। देखिए छठवां भाग में है 3x/2 -5y/3 -2। और एक समीकरण लिखा है x/3 +y/2 -13/6। देखिए भिन्न में है, इनको सरल में बदल लेंगे, थोड़ा सरल समीकरण कर लेंगे। देखिए इसका गुणा इसमें करते हैं, 3 3 9x, 2 5 10y/2 3 6, ठीक ना। इसका जब लघुत्तम लेना हो तो इसको इस तरह भी करते हैं, ठीक ना। तो इसका लघुत्तम भी लेंगे तो इतना ही आएगा, बराबर -2। तो ये हो गया, तिरे गुणा कर लेंगे इसका, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, जब एक गुणा करेंगे तो आएगा 9x-10y/6 × 12, समीकरण एक प्राप्त हो गया, ठीक ना। इसी प्रकार इसको भी हल करेंगे, 2x हो जाएगा 2x प्लस इसका हो जाएगा 3y/3 × 6 = 13/6। देखिए दोनों के हरों का 6-6 है, ये कैंसिल हो जाएगा, हट जाएगा, तो ये बचेगा 2x+3y/13। तो इसको समीकरण 2 डाल लेते हैं, ठीक ना। अब इसको हल करते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 से, तो ये समीकरण 1 ये रहा, इसको नोट कर लेते हैं, 9x-10y/-12। इसमें से x का मान ज्ञात कर लेते हैं, तो लिखेंगे 9x-12, और इसको पक्षांतर करेंगे तो -10 का +10 हो गया 10y, और x-12 + 10y, और ये बटे में 9। तो इस प्रकार समीकरण ये 3 प्राप्त हो गया। फिर लिखेंगे x का मान समीकरण 3 से समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 में रखेंगे तो 2 पहले समीकरण लिख लेते हैं यहां पर, तो ये आया 2x+3y/13, और x का मान रखेंगे तो लिखेंगे 2, और कोष्टक में लिख लेते हैं इसको पूरा, तो -12 + 10y/9 + 3y/13। अब देखिए कुछ कट नहीं रहा है, तो इस 2 का गुणा आगे हो जाएगा, तो 12 × 24 + 10 × 20, इन दोनों पदों का 2 में गुणा हो गया, 9 + 3y/13। इसको हल और कर लेते हैं, तो ये देखिए इसका लघुत्तम लेंगे पहले, तो लघुत्तम अगर इसके बटे में कुछ नहीं हो तो इसका सीधे गुणा कर लिया जाता है, तो लिखते हैं -24 + 20y + 9 + 27y, और ये पूरे के बटे 9 हो जाता है, = 13, ठीक ना। तो ये वाई वाई थोड़ा हल कर लेते हैं इसमें, -24 + 20 + 27 = 47y/9 = 13। तो अब तिरे गुणा कर लेते हैं इसका, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो एक गुणा करेंगे तो ये चीज आ जाएगा -24 + 47y = 13 × 117, और इसको पक्षांतर कर लेते हैं तो 47y = 117 + 24, 47y = 7 4 11, 2 3 1 4 और 1, y = 141/47। देखिए 47 तिहाई 3 बार में कट जाएंगे, ठीक ना, 141 आ गया तो 3 बार में कट गया, तो y = 3 प्राप्त हो गया, ठीक ना। अब इस y का मान समीकरण 3 में रख देंगे, तो यहीं रख लेते हैं, लिख लेते हैं यहीं पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर,
ठीक ना। तो ये रहा समीकरण तीन, रख लेते हैं। यक्स बराबर माइनस 12 प्लस 10 वाई बटे 9, तो माइनस वाई प्लस 10 गुणे वाई का मान 3 रख लेते हैं बटे 9, तो ये हो गया माइनस 12, 30 हो गया, 10 तिहाई 30, और 30 में 12 गया तो 18 आ गया, ठीक ना। 9 एक कम, 9 दूनी 18, इस प्रकार यक्स बराबर 2 प्राप्त हो गया, ठीक ना। तो अतः अंत में आंसर लिख देंगे, अतः यक्स बराबर 2 वाई बराबर 3, तो ये अभिष्ट उत्तर हो गया। इस प्रकार प्रश्न नंबर 1 के सभी भाग हो गए। अब प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। अब इसका प्रश्न नंबर 2 में है, दो समीकरण लिखा हुआ है, पहले लिख लेते हैं इसको। 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24, ठीक ना। इनको पहले हल कर लेते हैं, फिर लिखा है को हल कीजिए। तो पहले हल करेंगे और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो, ठीक ना। तो पहले हल कर लेते हैं इसको, इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 लिखते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 लिख लेते हैं, 2x प्लस 3y बराबर 11, तो इससे 2x का मान ज्ञात करेंगे तो जगह 11 माइनस 3y, ठीक ना, पक्षांतर कर दिया। अब 2 को नीचे पक्षांतर करेंगे, गुणे में है तो भाग में हो जाता है, x बराबर 11 माइनस 3y बटे 2, ये समीकरण 3 प्राप्त हो गया। अब x का मान समीकरण 3 से 2 में रखेंगे, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 3 से समीकरण 2 में रखने पर, ठीक ना। तो 2 में रखेंगे, तो इसको 2 को पहले लिख लेते हैं यहाँ पर, तो देखिए 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। अब जहाँ x हमको दिखाई देगा वहाँ x का ये मान रख लेंगे, तो यहाँ लिख लेते हैं इस x का मान 11 माइनस 3y बटे 2 माइनस, अभी जो है उसको लिख लेते हैं, माइनस 4y माइनस 24। देखिए 2 कैंसिल हो गया, बचा 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर माइनस 24। ये हो गया माइनस माइनस माइनस, अंक जुड़ गया, तो हो गया 11 माइनस 7, ठीक ना, 3 4 7 माइनस 24। 11 को पक्षांतर कर लेते हैं, तो माइनस 7y बराबर माइनस 24, पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 11 माइनस 7y बराबर, इसको जोड़ लेंगे माइनस माइनस माइनस, अंक जुड़ जाएगा तो जाएगा 35, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, y का मान कितना आया, तो y बराबर 35/7, ठीक ना। 7 को नीचे पक्षांतर कर दिए, 7 एक कम 7, 7 5 35, तो y बराबर 5 प्राप्त हुआ। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक ना, तो 3 में रख देंगे इसमें, तो x का मान ज्ञात हो जाएगा, तो लिखते हैं x बराबर 11 माइनस 3y बटे 2। अब y का मान रख देते हैं यहाँ पर, y का मान कितना है, 5 बटे 2, तो हो गया 11 5 तिहाई 15 बटे 2, तो हो गया 11 में 15 गया तो माइनस 4, ठीक ना, छोटी संख्या से बड़ी संख्या गया तो माइनस 4, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, इस प्रकार x का मान माइनस 2 आया, तो ये दोनों x और y का मान ज्ञात हो गया। अब देखना है, अब इसमें देखिए m का मान ज्ञात करना है, इसके लिए एक समीकरण लिखा हुआ है, y बराबर, पहले इसको ना x और y का एक साथ मान लेते हैं, अतः x बराबर माइनस 2 और y बराबर 5, ये प्राप्त हुआ। अब समीकरण दिया हुआ है y इक्वल टू mx प्लस 3,
ठीक ना, इससे हमको यम का मान ज्ञात करना है। तो यम का मान ज्ञात करने के लिए यक्स और वाई का मान रख लेते हैं यहाँ पर। तो वाई का मान 5 और यम गुणे यक्स का मान -2 है +3। तो 3 को पक्षांतर कर लेंगे तो जगह 5 - 3 बराबर -2m, ठीक ना, इनका गुणा करेंगे तो -2m, 5 में से 3 गया 2 बराबर -2m। अब -2 को नीचे पक्षांतर करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा m बराबर 2/-2। तो इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 2 × 2 × 2, इस प्रकार m बराबर -1 प्राप्त हो गया, ठीक ना। तो m का भी मान हो गया। तो पहले समीकरण को हल किया तो x और y का मान ज्ञात हुआ, और इस समीकरण की मदद से इसमें x और y का मान रख देने से m का भी मान ज्ञात हो गया -1। इस प्रकार प्रश्न नंबर 2 हो गया।